और हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि दोनों इमेजेस को एक साथ कंबाइन कैसे करते हैं। यूजुअली ये आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम आ सकता है, या फिर अगर आप यूट्यूबर हो, आपको वीडियोस बनाना है तो उसमें काम आ सकता है, थंबनेल में। एंड लेट्स से कि कोई और पर्पसेस के लिए, जैसे आपको आप चाहते हो कि कोई ग्रीटिंग कार्ड में यूज़ हो सकता है, एंड इसके कई और यूज़ेस भी हैं। तो चलिए इसका पर्पस मतलब देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा ये pinetools.com/merge-images, तो इसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। सो मैं जाऊँगा फर्स्ट इमेज, चूज़ फाइल, यहाँ पे मैं अपना पहला इमेज को अपलोड करूँगा। कौन सा इमेज? इसका लोकेशन है डेटा साइंस में, चाहूँगा डेटा साइंस, पावर बी आई वीडियोस, थंबनेल, स्पोर्ट्स, 1987 वर्ल्ड कप। ये है मेरा पहला इमेज, इसको मैं अपलोड करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहला इमेज है। सेकेंड इमेज को भी चूज़ करूँगा, जो कि है डेटा एनालिसिस फाइल 8। ओके, आप पे देख सकते हो ये दोनों इमेज। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का ऑप्शन देख सकते हो, मर्ज, इसको मैं क्लिक करूँगा। ओके, आप देख सकते हो दोनों एक साथ में आ गया है, कंबाइंड इमेज। अब इसको मैं यहाँ पे JPG क्लिक करूँगा। अब इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ, देख रहे हो फाइनली ये रेडी हो गया है। ऑलराइट, तो ये था दोनों इमेजेस को एक साथ में कंबाइन करने का तरीका। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।